कश्मीर का जो हालात है वो हमारे सामने। कश्मीर हमसे बहुत आगे निकल चुका है, बस कर दिया अब कश्मीर को, अपने मुल्क को पहले हम संभाल ले वो मैं कहती हूँ। पहले अपने मुल्क के हालात हम देखते नहीं है, हम चले जाते हैं भाई कश्मीर दो हमें, कश्मीर दो। उन लोगों का नजरिया अलग, नजरिया का अनोखा नजरिया है कि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे, हम भी ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं ना। बलोचिस्तान का आप देखे ना कि पानी आज तक वहाँ पर नहीं मिल सका, वहाँ पर तो क्या मिलना है। आप लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, वहाँ पर साफ पानी नहीं अवेलेबल। आप तालिबान वाला निज़ाम चाहती हैं क्या? देखिए तालिबान वाला निज़ाम नहीं चाहती हूँ मैं। अब यहाँ आके फंस गई। हम मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं और हमने मानना भी नहीं है। आज का जो दौर जा रहा है आप अकेले घर में बाप और भाई के साथ महफूज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली, जिसमें हम रिएक्शन देने वाले वो है निमरा अहमद ऑफिशियल की। आज निमरा जो है पाकिस्तानी बंदों को ऐसा धोया काफी, वो कश्मीर कर रहा था, वो आज के बाद कभी कश्मीर का नाम नहीं लेगा और कोई भी पाकिस्तानी जो है कश्मीर नहीं मांगेगा ये वीडियो देखने के बाद। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। जो हालात है वो हमारे सामने, कश्मीर हमसे बहुत आगे निकल चुका है, बस कर दिया अब कश्मीर को, अपने मुल्क को पहले हम संभाल ले वो मैं कहती हूँ। पहले अपने मुल्क के हालात हम देखते नहीं है, हम चले जाते हैं भाई कश्मीर दो हमें, कश्मीर दो। कश्मीर की जो रहनुमा है वहाँ का जो लोग है उन पे क्या गुजर रहे, उन पे क्या गुजर रही है? इंटरव्यू दिखा दूं मैं आपको, मैंने बात की है उनसे? नहीं इंटरव्यू के बाद नहीं, वहाँ के जो लोग हैं ना वो कभी भी हमारे साथ आना नहीं चाहते। 25 रुपए किलो आटा छोड़ के वो इधर आटे की लाइन में आकर खड़े होंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन छोड़कर वो यहाँ धक्के खाएंगे आकर बताएं। जहाँ उनको बिजली के मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं वो यहाँ डबल महंगाई में आएंगे। तो आप क्या कर रहे हो वो? उनको छोड़ दें, आप तरक्की पे बात करें। किसकी तरक्की? पाकिस्तान पे, पाकिस्तान भारत तरक्की है ही नहीं। पाकिस्तान में तो सब कुछ डूब चुका है। पाकिस्तान तो पता नहीं 1947 वाला जो दौर था मेरे ख्याल के मुताबिक वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ क्योंकि आजकल तुम देखो कहाँ कहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे और क्या चल रहे है। ये 47 वाला दौर बहुत अच्छा था जब तरक्की नहीं थी। से एक बात कर रहा हूँ, अक्वामे मुत्तहिदा में जाते हो सबसे पहला नाम आप भारत का लेते हो, आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते हो सबसे पहले आप पाकिस्तान भारत के मसले मसाइल को छेड़ के बैठ जाते हो। आप अभी कहते हो कि उनकी मईशत का हम पर कोई असर नहीं है, भाई वो 5वें नंबर पे है। मेरा बात सुनिए, देख सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। अगर हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो है कायदीन जो है वो सही तरीके से काम करे, अपने काम पे काम रखे, तो दुनिया के किसी भी मुल्क हमारे पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, न माशियत में न किसी और चीज़ में। सबसे बड़ी बात हमारी क्या है यहाँ के, कि हम आपके सामने है सब कुछ। जब आपके सपा जो भी आ जाते हैं इलेक्शन के पहले वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बाद में आके अपने जिबे भरवा के चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट लीडर हैं। देखो ना उन लोगों का आपने एक नजरिया है, नजरिया नहीं है भाई, नजरिया अलग है। उन लोगों का नजरिया अलग, नजरिया का अनोखा नजरिया है कि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे, हम भी ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे ना। तो हमें करना चाहिए। देखो अगर वहाँ का जो भी बंदा वहाँ का किसी के साथ मुलाकात करते या उनको बुलाते यहाँ, तो क्या कहते हैं कि भाई जो गद्दार है वो मोदी का यार है, पता नहीं क्या क्या करते यार। देखो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये कहते ऐसे मैंने सुना है। तो देखो किसी के साथ, देखो अगर वो इंडिया है जो भी है, हिसाब से तो फिर सऊदीया भी गद्दार हुआ, इस हिसाब से तो फिर सारे मुस्लिम ममालिक गद्दार हुए ना, अगर इसको मद्देनजर। हाँ तो इस चीज को नहीं देखना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, हर किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि हमारा मुस्लिम कंट्री है, हमारा दीन हमारा मजहब हमें ये चीज की इजाजत नहीं देती कि किसी से नफरत करे। बलोचिस्तान में देखे ठीक है तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं जो है 76-75 सालों में। बलोचिस्तान में क्या है, सिंध में आपने नाम लिया लेकिन है क्या यहाँ पर? डेवलपमेंट पर आप बात कर रहे हो ना, डेवलपमेंट पे बात कर लें आप, पॉवर्टी पे बात कर लें, वहाँ की जो है आप किसी भी चीज़ एजुकेशन पे बात कर लें, क्या उनका रेट है और क्या उनके क्राइटेरिया उनके, आप किसी भी चीज़ में बात कर लें, कुछ भी नहीं है। सिंध की बात करें तो वडेरा सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हो सका, आज तक नहीं ख़त्म हो सका। वो हिंदुओं आना जो रस्म जो सोच चलती आ रही थी बड़े सगीर से, वो आज तक वही चल रही है। हिंदुआना सोच का है वहाँ पे सारी की सारी, ये क्या है वडेरा सिस्टम जो क्या है हिंदुआना सोच है कि ना, वहाँ पर आज भी कोई वो फीमेल्स को वही चीज़ें फेस करनी पड़ी जो बड़े सगीर में करनी पड़ रही थी। तो आप पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, सिंध कहते हैं ना पाकिस्तान का हिस्सा, तो क्यों उनको राइट्स नहीं देते फिर? बलोचिस्तान का आप देखे ना कि पानी आज तक वहाँ पर नहीं मिल सका,
वहाँ पर तो क्या मिलना है, आप लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, वहाँ पर साफ पानी नहीं अवेलेबल। मेरे घर के अंदर गारा पानी आता है, आप क्यों इतनी दूर जा रही हैं? हाँ जी, तो ये हमारी जो है डेवलपमेंट का हाल है। हमारी जो है, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है किसी एंगल से, ये तो हमारी आवाम ही बता सकती कितनी की डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये कहते हैं जी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है, कौन कहते हैं आज़ादी है? ये हमारी आवाम ही कहती है कि जी ये आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हुक्मरान कहते हैं हम आज़ाद हैं, किस हमारी सोच ही आज़ाद नहीं है। अच्छा। हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं है। वो लोग आज़ाद हैं? कौन लोग? भारती, भारत की जहाँ तक बात की जाए उनमें आज़ादी है। वो चाहे एक आप ले लें, अगर जब आती है हिंदुइज्म की बात कर लें तो जब वो आते हैं रोड पे तो पता चलता है कि आज़ाद है वो, चाहे वो हिंदुओं की हत्या की है लेकिन आज़ाद तो है वो। भाई मुसलमान भी वहाँ पर आज़ाद है, मुसलमान फैक्ट्स देखें ना तो वो भी वहाँ पर आज़ाद है। हमारे मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे उनके हालात है वहाँ पर, और क्या चाहिए उनको, वो कभी आएंगे इधर? ये हमारी गलत फहमी है। ये जो कहा तो जाता है कि ये मुल्क लिया गया पर इंडिया से अलग किया, आप ये देखें किस एंगल से ये अलग है, किस एंगल से इसको जो है आप कहते हैं कि ये इंडिया से अलग हुआ है, ये कलमे के नाम पे बना। आप देखें हर चीज़ तो उसकी फॉलो करते हैं हम। किसकी फॉलो करते हैं? इंडिया की। आप एक्ट्रेसेस को देख लें, हमारे यहाँ का बच्चा उनको फॉलो करता है, सिंगर्स को उनको फॉलो किया जाता है। कल्चर तो हमारा सेम है ना, वही हर चीज़ को फॉलो किया जाता है। आप कल्चर के अलावा भी देखें कि आप उनसे बाहर आए नहीं हैं। आप तालिबान वाला निज़ाम चाहती हैं? या देखिए तालिबान वाला निज़ाम नहीं चाहती हूँ मैं। अब यहाँ आके फंस गई, यहाँ आके फंस गई। हम मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं और हमने मानना भी नहीं है। लड़कियों को जो है आज़ादी नहीं थी, ये नहीं थी। आज अगर लड़की आज़ाद है भी तो क्या उसको आज़ाद रहने दिया जाता है? 12 बजे के बाद आप यहाँ स्टे कर सकती? कभी भी नहीं कर सकती। तो किस चीज़ की आज़ादी है? अकेले आप अपने ऑफिस में रह सकती? नहीं रह सकती। आप अकेले की, आप आज का जो दौर जा रहा है, आप अकेले घर में बाप और भाई के साथ महफूज नहीं है। आप ये देखें ना, इससे हमारे सोसाइटी में हमारे यहाँ कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं, और लॉट्स ऑफ केसेस हैं जो हमारी नज़रों में आते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं निमरा अहमद ऑफिशियल ने किस तरह से जो इस पाकिस्तानी बंदों को धोया। बहुत ही कश्मीर कर रहा था, उनने कहा कश्मीर को छोड़ दे भाई, तो कश्मीर बहुत ज़्यादा डेवलप है, वो अपना डेवलपमेंट छोड़ के यहाँ थोड़ी आएंगे इंडिया में, थोड़ी यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी आएंगे, पाकिस्तान इंडिया बैकवर्ड है, वो यहाँ आना पसंद करेंगे, इंडिया में रहना पसंद करेंगे, तो पाकिस्तान को छोड़ दे, डेवलपमेंट के ऊपर बात करें। पाकिस्तानी जो अनपढ़ है वो इसी तरह की बात करते हैं, हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पता नहीं इस तरह की बेहूदी बातें करते हैं, इसमें कोई लॉजिक है? कश्मीरी खुद नहीं आना चाहेंगे, अगर दिया जाए ना पाकिस्तान बनेगा, वो कभी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ मिले, और उन्होंने कभी नहीं काम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कश्मीर कभी नहीं जाएगा, वो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया इतना डेवलप है, तो डेवलप कंट्री के साथ रहेंगे जहां महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर इतनी ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, इतनी ज्यादा भुखमरी है, बेरोजगारी, वहां जाएंगे, वो इंडिया के साथ रहेंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तानी को बहुत कम समझ में आती है, जो पढ़े लिखे लोग वो समझिए इस बात को, जो अनपढ़ है वो अभी नहीं समझे इस चीज़ को। तो आज निमरा अहमद ने तबीयत से उधेड़ दिया इस आदमी को, अच्छी तरह समझाया इसको, तो कोई दूसरा पाकिस्तानी जो है कश्मीर की बात नहीं करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाइक, तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ निमरा अहमद को जरूर सपोर्ट करें। तो इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।